राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में आयोजित विज्ञान कार्यशाला में जिला के 150 अध्यापकों ने भाग लिया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंब्याल ने की। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। देश में हो रही प्राकृतिक आपदाओं का तथा गंभीर चुनौतियों का समाधान करने का एकमात्र साधन विज्ञान है। इसका प्रचार व प्रसार आवश्यक है। स्कूल स्तर से बच्चों को वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। प्रदेश सरकार व विभाग दोनों चिंतित हैं। वैश्विक विज्ञान में बच्चों की रुचि कम होती जा रही है। इसके लिए बाल विज्ञान सम्मेलनों को और अधिक सार्थक बनाकर बच्चों को विज्ञान के प्रति आकर्षित करके उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंब्याल ने कहा कि इस बार हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कम से कम दो तथा हाई स्कूल में कम से कम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना बाल विज्ञान सम्मेलन में अनिवार्य है। सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल व हाई स्कूल के मुखिया अपने अधीन मिडिल स्कूलों को इस प्रोग्राम की जानकारी देकर बाल विज्ञान सम्मेलन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इस मौके पर प्रधानाचार्य मंजू ठाकर, रिसोर्स पर्सन सुनील चौहान, डॉक्टर डीएस वन्याल, संजीव ठाकुर, राजेश गौतम, चंद्रकांत व अन्य मौजूद रहे। साइंस टीचर्स और लेक्चर्स के लिए एक ट्रेनिंग कम ऑरिएंटेशन वर्कशॉप का आयोजन हम कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको हमने तीन सब डिवीजन में, तीन ग्रुप्स में बांटा है, जिसमें दो दो सब डिवीजन हर डे, वो 6 तारीख से आज शुरू की जा रही है। इसमें लगभग 150 जो हैं वो लेक्चर्स और साइंस टीचर्स जो हैं वो भाग ले रहे हैं। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस बाल विज्ञान सम्मेलन जो अभी इस महीने के लगभग 22 तारीख से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए बच्चों की तैयारी किस प्रकार से करवाई जाएगी और उस बाल विज्ञान सम्मेलन में जो भी इसमें चेंजेस आई हैं उनको टीचर्स को बताया जाएगा, और उसके बारे में हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं जिन्होंने पीछे ट्रेनिंग की है, चाहे उन्होंने ट्रेनिंग शिमला में की है, चंडीगढ़ में की है, तो वो जो एक्सपर्ट्स हैं उसके बारे में उनको ज्ञान देंगे। जहाँ तक साइंस और टेक्नोलॉजी की हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको जोड़ा गया है शिक्षा विभाग के साथ साथ, और लगभग बहुत ही अच्छा नेटवर्क है, 5-6 जो डिपार्टमेंट है इकट्ठे रूप से संयुक्त रूप से बच्चों के उत्थान के लिए साइंस में उनको अपग्रेड करने के लिए काम कर रहे हैं। आज के युग में जो विज्ञान का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि हम ये मान चुके हैं, और आज जो पिछली पीढ़ी के लोग जिस चीज़ को नहीं मानते थे आज की पीढ़ी मान रही है कि अगर किसी भी समस्या का अगर हल है, जब तक हम उसका वैज्ञानिक ढंग नहीं सोचते हैं तब तक वो समस्या जो है हल नहीं होगी। अगर उस समस्या को हम किसी दूसरे ढंग से हल करने की कोशिश करेंगे तो उसके बहुत से दुष्परिणाम होते हैं, ऐसा हमारा मानना है। और मैं समझता हूँ कि चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, हिमाचल सरकार हो, आज आप देख रहे हैं कि इंस्पायर का जो प्रोग्राम था बच्चों को, उसको माननीय जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उसको स्टार्टअप के साथ जोड़ा है कि छोटे छोटे बच्चे हमारे जो अपनी योजना दे रहे हैं, अपने जो विचार दे रहे हैं, एक नई जो क्रिएशन कर रहे हैं उसको डेवलप करने के लिए उनके लिए सरकार पूंजी लगाने के लिए तैयार है।